यार पता है क्या, कुछ दिनों पहले ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें कि इस व्हील ने मेरा लंच डिसाइड किया था। लंच में मैं कौन सी क्यूजीन खाने वाला हूँ वो डिसाइड की थी। और उस वीडियो पे आप में से कितने सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि भैया 24 आवर्स वाला करो ना, पूरे दिन घुमाओ इसे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। लंच में उस दिन कोरियन फूड आया था, बड़े मजे आए थे भाई। देखो भाई, इसके अंदर मैंने सारी क्यूजीन फिर से डाल दी है, चाइनीज, थाई, जापानीज, इंडियन, टर्किश, सब कुछ डाल दिया है। बस मैं दुआ कर रहा हूँ कि यार ब्रेकफास्ट में इंडियन ना आए। यार मतलब मन कर रहा है कुछ डिफरेंट खाने का, तो लेट्स सी क्या आता है। मिडल ईस्टर्न। अब मिडल ईस्टर्न में तो मुझे सिर्फ बकलावा पता है और शॉर्मा पता है। यार मुझे ना थोड़ा गूगल करने दो। सो 30 मिनट्स लेटर। ये है भाई हमस एंड फलाफल मील एंड दिस इज फतूश सैलेड। ये फलाफल और हमस मील ना बड़ा यम सा लग रहा है। खुल जा भाई। ओए होए 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 होए। ये देखो साथ में पीटा ब्रेड है। दिस इज हमस एंड दीज आर फलाफल। पहले ऐसे इसको ट्राई करते हैं। दिस इज गुड। हल्की सी स्पाइसी है यार ये हमस, पर बढ़िया लग रही है। थोड़ी सी लेते हैं भाई इस फलाफल की बाइट। ओके, लिटिल बिट ऑफ हमस। गंद मचा दिया यार मैंने। नाउ लेट्स डिग राइट इनटू इट। सच बता रहा हूँ, सुबह सुबह ना मजे आ गए। एक्चुअली ना जब मैं मिडल ईस्टर्न फूड ढूंढ रहा था, मोस्टली नॉन वेज ही आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने वेज खाना निकाला है और सही है यार। फतूश सैलेड। मैं गलत ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसका नेम, आई नो, बट इट इज व्हाट इट इज। ये इसके ऊपर ना ये क्रिस्पीज डाल देता हूँ। ये इसके ऊपर डालने के लिए है क्या यार? अब तो डल गई। ओके। ये जो ऊपर मैंने सॉस डाली है ना, दिस इज स्पाइसी, बट मजा भी उसी की वजह से आ रहा है यार। ये फतूश सैलेड जो है ना, ये नॉर्मल सैलेड ही है। इसके अंदर खीरे हैं, इसके अंदर टमाटर हैं, ऑलिव्स हैं, ऊपर मैंने वो क्रिस्प डाले हैं और वो सॉस डाली है और ये लेटस है। यार आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय फूड। ये अब मम्मी को खिलाऊंगा। अब चलते हैं भाई गाड़ी में एंड लेट्स स्पिन द व्हील अगेन। हेलो जी, वंस अगेन, अब घुमाएं भाई। अब यही होप कर रहा हूँ कि कुछ बढ़िया सा आ जाए। क्या है भाई? इटालियन। आ गए मजे। चलो भाई। यार इटालियन में ना मुझे पास्ता और पिज्ज़ा नहीं खाना था, उसके सिवाय आज कुछ भी चलता है। तो इसलिए ना मैं एक ऑथेंटिक इटालियन कैफ़े में आया हूँ। और पता है क्या, मुझे तो एक इनके मेन्यू में ना आवाकाडो क्रॉस्टीनी था, वो ऑर्डर करना था, बट वो अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए मैंने ब्रुशेता ऑर्डर कर दिए भाई। ब्रुशेता ना इट्स लाइक अ ब्रेड जिसके ऊपर ऑलिव ऑयल डालते हैं और उसके ऊपर वेजीज़ होती हैं। तो बस ये सीन है। मतलब इटालियंस का ना ये देसी रस है विद वेजीज़। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को ब्रुशेता में इन्होंने कौन कौन सी टॉपिंग्स दी है। ये है सन ड्राइड टमेटोज, दीज आर बेल पेपर्स, दिस इज पेस्टो, दिस इज मशरूम स्प्रेड, ये है टमेटोज और ये है भाई ब्रुशेता ब्रेड। नाउ लेट्स डिजाइन आर ब्रुशेता। सबसे पहले इसके ऊपर लगाते हैं भाई पेस्टो सॉस। ओके, बढ़िया से लगा लेता हूँ इसे। एंड अब है बारी मशरूम स्प्रेड की। लिटिल बिट ऑफ टमाटोज, लिटल बिट ऑफ बेल पेपर्स, एक रखूंगा इसके ऊपर मैं सन ड्राई टमेटो। आए क्या लग रहा है यार मेरा ब्रुशेटा। ओके यार बड़ा बटरी है। तो मुझे ना इसके अंदर से बटर का फ्लेवर आ रहा है, पेस्तो का फ्लेवर आ रहा है और वेजीज का फ्लेवर आ रहा है। आई मीन दिस इज फैंसी भाई। पता क्या, ब्रुशेटा के साथ साथ मैंने लजानिया भी ऑर्डर किया। ये दो पीस बच गए हैं, इसको साइड रखते हैं। लेट मी शो यू द लज़ानिया। ऑल्सो ये ना जुकीनी लज़ानिया है। ये बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है। मन तो नहीं कर रहा है इसको ख़राब करने का, बट ओके लेट मी शो यू इसके अंदर क्या है। अरे यार सब बिगाड़ दिया मैंने। यार इसमें ना जुकीनी के रिबन्स हैं एंड ऊपर पारमेजान चीज़ है और साइड में ना कोई मारने सॉस होती है, वो है। ये सीन है इसका भाई। ये भी बड़ा फैंसी लग रहा है।
बॉन अपेटिट, नहीं बॉन अपेटिट तो फ्रेंच होता है ना, बट ठीक है मामा मिया व्हाटएवर इट इज, मैं खा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स भाई, इसके अंदर भी यार खूब सारा चीज है। जैसी मैंने इसकी बाइट ली थी ना, एकदम वो ऑलिव ऑयल का पंच आया था, बट ये जो मारने सॉस है ना वो टमेटो वाली सॉस है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्लेवर आ रहा है भाई, वेरी यूनिक। यार आई एम डन विद ब्रुशेता एंड माय लज़ानिया। और पता है बिल कितना आया? 1836 रुपीस भाई। ये फैंसी इटालियन खाने के चक्कर में ना लुट के आया हूँ मैं। खैर मैं एक स्पिन अभी और करूंगा क्योंकि यार मजा सा आ रहा है और कुछ मीठा भी खाने का मन कर रहा है। सो हो जाए स्पिन। हो गए भाई, कुछ बढ़िया ले आना प्लीज। स्पैनिश, स्पैनिश डेजर्ट कौन सी होती है भाई? ये है भाई स्पैनिश आइस लाटे, और दिल्ली की इतनी सर्दी में ना ये पी के तो मैं पक्का बीमार ही होने वाला हूँ। तो स्पैनिश आइस लाटे का आपको सीन बताता हूँ। ओके, मैंने भी गूगल से ही पढ़ा है। तो इसमें ना कंडेंस मिल्क डालते हैं और नॉर्मल मिल्क डालते हैं और एक्सप्रेसो शॉट होता है, और इसको स्पैनिश लाटे बोलते हैं। ये सीन है यार, मैंने इनको मना किया था कि इसके अंदर आइस क्यूब मत डालना, इन्होंने फिर भी आइस क्यूब डाल दी। ये देखना कितनी सारी आइस क्यूब हैं। खैर इसको रखते हैं साइड में, अब करते हैं मुद्दे की बात। दीज आर कॉल्ड चूरोस, और मैंने लिए सिनेमन चूरोस। भाई ये ना कमाल के हैं, मतलब बिना सिनेमन वाले भी चूरोस बढ़िया होते हैं। तो ये पता क्या करते हैं, डो को डीप फ्राई करते हैं और उसके ऊपर ना शुगर से उसे कोट करते हैं एंड चॉकलेट सॉस के साथ उसे सर्व करते हैं। मेरे को ना ये बहुत पसंद है, मैं टाको बेल में खूब खाता हूँ इसे। वैसे इसको ना स्पेन और पुर्तगाल में बहुत खाते हैं, और यार ये बड़ी कमाल की होती है। नाइस यार, क्या क्रिस्पी है यार, मज़ा आ गया सच में। और अब मैं हो चुका हूँ फुल, घर चलते हैं फिर एक बार ऑल व्हील घुमा देंगे। यार एक घंटा बढ़िया सोया हूँ मैं, अब डिनर का टाइम भी हो गया है और भूख भी लगी है, सो चलो भाई हो जाए शुरू। मैक्सिकन फूड, ओ नाइस, मजे आने वाले हैं गाइस। बड़ी देर वेट करने के बाद द फूड इज फाइनली हियर। और पता है क्या, मैंने वो बुरितो श्रीतो नाचोस या फिर टाकोस ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया, मैंने कुछ नया ऑर्डर किया है, दिखाऊं? चेक दिस आउट गाइस, इसको पता है क्या बोलते हैं? एस किड्स। भाई देखो मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आता इसे, और मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई इस डिश को। तो अपेरेंटली ये एक स्ट्रीट साइड मैक्सिकन कॉर्न डिश है। ओके, तो इन्होंने पता है क्या किया है, स्वीट कॉर्न को किसी सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स किया है और ऊपर सार क्रीम है, एंड वी ऑल्सो हैव नींबू। ऑफ कोर्स मैक्सिकन फूड में नींबू तो इम्पॉर्टेंट है भाई। ओ नाइस भाई, फ्लेवर अच्छा आ रहा है। ओ दिस इज सो गुड भाई, इन्होंने ना किसी मसालेदार क्रीम में भुने हुए भुट्टे को अच्छे से टॉस किया और ऊपर डाली है सार क्रीम और साथ में दिए है नींबू। भाई ये एस्किट्स ना 515 है, सही बता रहा हूँ। चेक दिस आउट गाइस, इसको पता है क्या बोलते हैं, स्पाइस्ड मिक्स्ड मशरूम टाक्वीटोस। मतलब मैं तो इसको स्प्रिंग रोल्स बोलूंगा, बट मैक्सिकन लोग इनको टाकीटोस बोलते हैं। ये चेक करो भाई, ऐसा लग रहा है एक रोटी ली, उसके अंदर कोई फिलिंग डाली और फिर उसको डीप फ्राई करके हमें दे दिया। ओके, इसको ना तोड़ के दिखाता हूँ। अच्छा, अंदर मशरूम की फिलिंग है, साथ में ना इन्होंने मुझे सालसा दिया है, सार क्रीम दिया है, इस पे कोई नाम नहीं लिखा, तो मैं इसी के साथ ट्राई करूंगा। भाई ये जो है ना, इसी सॉस के अंदर इन्होंने स्वीट कॉर्न को भी टॉस किया था, ये वही वाली सॉस है, और इसमें से ना मशरूम एंड चीज का क्या फ्लेवर आ रहा है, अगर एकदम फ्रेश सर्व होते हैं ना, ओए होए मजे आ जाते। लेट्स ट्राई इट विद सम साल्सा, ये थोड़ी डिफरेंट साल्सा है भाई इनकी। मुझे बिल्कुल पता नहीं आई है, सार क्रीम तो यार बढ़िया होती है भाई, सार क्रीम और इस वाली सॉस के साथ ये ना बढ़िया लग रहे हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई, आज की वीडियो में मजा आया ना, मुझे तो बहुत मजा आया यार, वो स्पिन्स घुमा घुमा के बड़ी मजे मजे की डिशेस ट्राई की मैंने।
एंड आई रियली होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। आई विल सी यू सो सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।